उत्तराखंड के सितारगंज का सितारा प्लेबैक सिंगर काशान मालिक मुंबई से पहुंचा अपने गांव कंथगरी। गाड़ी से उतरकर युवाओं ने उठा प्लेबैक सिंगर को अपने कंधों पर और किया खुशी का इजहार। गांव पहुंचने पर गांव में उत्साह का माहौल। गांव वालों ने और युवाओं ने प्लेबैक सिंगर का फूल मालाओं के साथ स्वागत। सितारगंज के छोटे से गांव कंथगरी में रहने वाले काशान मालिक ने अपने करियर की शुरुआत रामपुर की प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी मोहम्मद अली जोहर यूनिवर्सिटी से की है। यूनिवर्सिटी के प्रोग्रामों और जलसों में अपनी आवाज़ का जलवा बिखेर चुके काशान मलिक धीरे धीरे मुंबई की तरफ बढ़े। वहां पहुंचकर उन्होंने एक वर्ष पहले डायरेक्टर हितेश पंगनिया और जिसके राइटर सतीश सक्सेना के साथ इबादतों का सिलसिला गाया था। काशान मलिक का कहना है कि यूनिवर्सिटी में उन्हें आजम खान और प्रोफेसर लोगों का बहुत सपोर्ट रहा, जिससे उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिला। काशान मलिक ने बताया कि जिसके बाद 22 मार्च को यह गाना रिलीज हुआ और एक माह के अंदर 6 लाख व्यू और लाइक इस गाने को एक महीने के अंदर मिल चुके हैं। प्रतिदिन यह गाना पूरे इंडिया में सुना जा रहा है। इस गाने को रोज 25 से लेकर 30,000 लोग पसंद कर रहे हैं। वहीं काशान मलिक ने बताया कि उनका दूसरा गाना भी जल्द रिलीज होने वाला है, जिसके बोल है सोड़िए मान जाना। यह गाना जल्द रिलीज होने वाला है। मैं दर्दों को पास बैठा करके सोऊं। पेश है सितारगंज के संवाददाता अनीस रजा की खास रिपोर्ट। साथ ही साथ हितेश पंगनिया जी को भी थैंक्स कहना चाहूँगा उनके म्यूजिक के लिए। और मेरा जो गाना है उसकी चंद लाइन में आपको सुनाना चाहूँगा। इबादतों का सिला जो मिलेगा मुझे, मैं खुदा से सनम मांग लूं।